खजुराहो में राष्ट्र प्रहरियों और वीरोदय सम्मान समारोह 25 एवं 26 जनवरी को होगा आयोजन। समाज के द्वारा खजुराहो में पहली बार राष्ट्र प्रहरियों और वीरों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव की विशिष्ट अतिथि में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यह कार्यक्रम 26 जनवरी को भी चालू रहेगा। आज खजुराहो में पत्रकार वार्ता के दौरान मुनि श्री विनम्र सागर जी के द्वारा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जैन समाज के द्वारा राष्ट्र के प्रहरियों में उनके परिवारों के सदस्यों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 108 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें से 65 लोगों की स्वीकृति आ चुकी है। ऐसे राष्ट्र हित के प्रहरियों के परिवारों को इस आयोजन में शामिल किया गया है। उनके खाने पीने एवं ठहरने की पूरी व्यवस्था जैन समाज द्वारा की जा रही है। राष्ट्र प्रहरियों के परिवारजनों को जैन समाज के द्वारा 21,000 की राशि भी दी जा रही है। मुनि विनम्र सागर जी ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि संत हमेशा समाज और राष्ट्र हित में काम करता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के संबंध में उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना करने वालों को किसी प्रकार की उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के संबंध में कहा कि वह कोई जादूगर नहीं है और न ही कोई वैज्ञानिक चमत्कार करते हैं। वह तो सनातन धर्म के लिए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग उनके खिलाफ अभियान चलाकर धर्म विरोध गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। ऐसा किसी भी कीमत पर किसी भी धर्म के संत और मुनियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैन समाज के द्वारा यह विशाल कार्यक्रम खजुराहो के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो में होने जा रहा है।